गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 8 ई, सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 3, फंक्शंस एंड चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस प्री डिफाइंड फंक्शंस, दिस इज कॉल्ड द फंक्शंस और फॉर्मूलाज। टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, चार्ट। ओके, व्हाट इज द चार्ट? चार्ट इन एमएस एक्सेल इट इज अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड रेंज और सेलेक्टेड डेटा। दैट मीन्स कि ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपने एक्सेल में जो रेंज आपने या जो डेटा सेलेक्ट किया है। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि हम लोग वाई वी यूज द चार्ट। ओके, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। फर्स्ट तो आपको ये इसका बेनिफिट समझ में आया। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम लोग चार्ट के थ्रू अगर डेटा को एनालाइज करने में बहुत इजी होता है। सपोज मान लीजिए कि अगर आपकी क्लास का रिजल्ट हमें देखना है कि आपके हिंदी इंग्लिश मैथ, सपोज दैट कि अगर आपकी मान लीजिए क्लास में 5 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, एक है आपका ये हिंदी का, ये आपका हो गया इंग्लिश का और मैथ्स, हमको ये देखना है तीनों में से किसका रिजल्ट, किस सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो सबसे अच्छा गया है। तो इसके लिए सपोज अगर हमने जो एक रेंज जो सेलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने ये इस तरह से डेटा देखा, तो ये ग्राफ में क्या है कि जिसका बार, ये जो आपकी जो डेटा होता है ये बार इस तरह से है, तो जिसका बार सबसे ऊंचा यानी कि उसका रिजल्ट, उस सब्जेक्ट का रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा गया है। तो अगर हम लोगों ने ये इस तरह से देखा तो यहाँ पे ये बार जो है वो ई फॉर इंग्लिश मैंने लिया है, तो यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है वो आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट गया है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपको विद द हेल्प ऑफ चार्ट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड और एनालाइज द डेटा, यानी कि हम लोग जो है वो इजिली जो है वो उस डेटा को अच्छे से समझ सकते हैं और एनालाइज जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इजिली जो है वो किसी भी डेटा को। ठीक है, तो इट इज इजिली टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड इन द फॉर्म ऑफ इन डेटा फॉर्म अ चार्ट, यानी कि आप जब चार्ट के फॉर्म में उस डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि जब हमने चार्ट में किया है तो आप जो है वो आपको डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं, आप डेटा पहले एंटर करोगे। आप लोगों ने इस तरह का जो ग्राफ का देखा होगा, अप डाउन देखा होगा, जनरली आपने स्टॉक एक्सचेंज में भी देखा होगा, अगर हम लोग वहीं पे डेटा में ही सपोज अगर हमने हिंदी के मार्क्स बढ़ाए तो वो तुरंत जो है वो अपडेट, यानी कि ग्राफ थोड़ा बढ़ेगा या कम होगा ये होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से चार्ट में क्या होता है कि अगर आपने किसी भी चार्ट में अगर आप डेटा में तुरंत आप चेंजेस करते जा रहे हैं तो वो अपडेट जो है वो तुरंत का तुरंत जो है वो आपका कोई भी डेटा जो है वो चार्ट जो है वो तुरंत अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका चार्ट का क्या यूज हुआ, चार्ट होता क्या है आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। इट इज अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड रेंज। पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपकी जो कंप्लीट डेफिनेशन होता है वो भी जब आप ये लिखेंगे कि सेलेक्टेड रेंज और सेलेक्टेड डेटा। क्लियर, जब तक आपका, क्योंकि जो आप चार्ट क्रिएट कर रहे हैं वो किसका चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। सपोज जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में आप लोगों ने ग्राफ, आप लोग मैथ्स में ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ के लिए हमको डेटा की तो जरूरत होती है ना, वैल्यूज, आप एक्स और वाई एक्सिस के लिए क्या वैल्यूज दोगे, तो वो जो वैल्यूज होती है दैट इज कॉल्ड द डेटा। ओके, तो इस तरह से आपका ये हो गया कि चार्ट आपका डेफिनेशन और चार्ट का हमको यूज क्या करते हैं और चार्ट होता क्या है। ठीक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ चार्ट। ओके, देयर आर 5 टाइप ऑफ चार्ट इन योर कोर्स। वैसे तो आपके बहुत सारे चार्ट होते हैं बट इन योर कोर्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चार्ट। फर्स्ट इज द कॉलम चार्ट, सेकेंड इज बार चार्ट, थर्ड इज लाइन चार्ट, एंड फोर्थ इज एरिया चार्ट, एंड फिफ्थ इज द पाई चार्ट। फर्स्ट इज द कॉलम चार्ट, जनरली दिस इज द फेमस चार्ट एंड जनरली वी यूज कॉलम चार्ट। ओके, कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट आर द सेम चार्ट, बट कॉलम चार्ट कंपेयर वर्टिकल बार,
लाइक दिस. सपोज इस तरह से आपके बार आएंगे, ये वर्टिकल बार्स हैं, और जब आप इसको इस तरह से घुमा दीजिए ये, तो ये यानी कि आपका जो बार चार्ट है, दिस इज यूज्ड द हॉरिजॉन्टल बार्स. क्लियर? बस आपका क्या है कि ये इस तरह से घूम जाएगा. ठीक है, तो आपका जो कॉलम चार्ट है वो क्या करेगा, इट कंपेयर्स डेटा वर्टिकल बार्स. दिस इज यूज्ड द वर्टिकल बार्स एंड बार चार्ट यूज टू कंपेयर डेटा यूजिंग हॉरिजॉन्टल बार. दिस इज यूज्ड द हॉरिजॉन्टल बार. दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ बार चार्ट एंड हॉरिजॉन्टल बार्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज द लाइन चार्ट. लाइन चार्ट एंड फोर्थ इज द एरिया चार्ट. बोथ आर द सेम चार्ट, बट बेसिक डिफरेंस इज ये. पहले तो हमको ये क्लियर करना है कि लाइन चार्ट हमारा बनता कैसे. लाइन चार्ट में देखिए क्या होता है कि सपोज आप किसी कोई भी चार्ट बनाएंगे, देयर आर टू एक्सिस. फर्स्ट इज द एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज द वाई एक्सिस. ओके, आप यहाँ पे भी वैल्यूज देंगे एंड यू पुट इन वैल्यू इन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बोथ. अब आपका सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, एक वैल्यू यहाँ पे हम लोग इसका यहाँ पे स्केल डिफाइन करते हैं, सेम एज हेयर हम लोग यहाँ पे स्केल. तो अगर इस तरह से अगर आपके ये पॉइंट्स मिलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से बस ये सारे पॉइंट्स मिला देंगे. ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द लाइन चार्ट. तो ये क्या करेगा, इट शो ट्रेंड्स टाइम ओवर लाइंस. क्लियर? ये इस तरह से आपका जो है ये आपका वेरिएशन दिखाएगा. ये यहां से यहाँ पे मतलब पहला पॉइंट आपका ये यहाँ पे जाके ये एक्सीड किया, यानी कि ये बढ़ गया यहाँ पे. ठीक, फिर यही वाला पॉइंट आपका इस जगह पे आ गया. तो इस तरह से ये ग्राफ जो है जो बढ़ता घटता है, ये आपका जो टाइम के अकॉर्डिंगली जो जो भी इसमें जो वेरिएशन हो रहे हैं वो आपको लाइन चार्ट के थ्रू शो होता है. बट एरिया चार्ट क्या है, दिस इज सेम एज द लाइन चार्ट. बस इसमें क्या होता है, जो आपका एरिया जो कवर हुआ है उसको फिल कर दिया जाता है. बस क्लियर? सपोज जैसे ये है आपका, तो ये एरिया यहां से यहां तक ये पूरा फिल कर दिया. सेम है एरिया आपका, इसको मैंने ये फिल कर दिया, ये एरिया अलग कलर से फिल करा और ये एरिया अलग कलर से किया. ठीक है, अगर आप चाहें तो हम इसको यहाँ पे ये अलग कलर से ही फिल कर देंगे. तो ये क्या करेगा कि ये जो फिल्ड एरिया है ये बिल्कुल अलग अलग आपका वेरिएशन दिखा रहा है. ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये हुआ कि इट शो द ट्रेंड ओवर टाइम यूजिंग लाइंस. और यहाँ पे क्या, इट इज एरिया चार्ट आर सेम एज द लाइन चार्ट बट लाइंस आर फिल्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पाई चार्ट. ये पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट जनरली आप लोगों ने जो देखा होगा, इट इज यूज इन मोबाइल. आप जब अपना मोबाइल हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा हम लोग जो मेमोरी का कितनी स्पेस है उसमें, मेमोरी में कितनी आपकी यूज हो चुकी है और कितनी आपकी बची है, उसके लिए हम लोगों ने इस तरह का आपका एक सर्किल आता है. तो यहाँ पे पाई चार्ट क्या करता है, इट कंपेयर पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि आपका पूरे पार्ट में से कितना कंज्यूम हुआ है पार्ट और कितना अभी आपका फ्री है, इस चीज को वो शो करता है. सपोज मैंने यहाँ पे ये ग्रीन ले लिया ब्लैक, तो हो सकता है कि ब्लैक आपका जो है वो ये वाला जो पोर्शन है आपका दिस वन, ये वाला पोर्शन जो है जो सॉफ्टवेयर है उनके लिए है. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो डेटा के लिए हो गया और अभी आपका ये जो ब्लैंक वाला जो पोर्शन है ये अभी आपका फ्री है. तो ये शो कर रहा है फ्री और इस तरह से वो परसेंटेज भी शो दिखा देता है. तो यानी कि ये जो पाई चार्ट है वो क्या करता है, कंपैरिजन किससे करता है, कंपैरिजन करता है पार्ट ऑफ होल, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है और जो आपका जो पूरा जितना कंज्यूम हो गया उसमें कंपेयर करके ये इस तरह से दिखाएगा. ठीक है, और अब आपका एक बार मैं फिर से इसको बता दे रही हूँ, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ चार्ट. फर्स्ट इज द कॉलम चार्ट, सेकेंड इज आपका बार चार्ट. कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट द सेम, बट कॉलम चार्ट यूज आपका वर्टिकल बार्स एंड बार चार्ट यूज द हॉरिजॉन्टल बार्स. क्लियर? लाइन चार्ट एंड एरिया चार्ट बोथ आर द सेम, बट लाइन एरिया चार्ट में इन एरिया चार्ट लाइंस आर फिल्ड. ओके, नेक्स्ट इज द पाई चार्ट. यही आपका सर्किल के फॉर्म में होता है. ठीक है, ये आपका बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपका सर्किल फॉर्म में होता है और सर्किल में क्या करता है, इट इज कंपेयर
क्या करेगा, कंपेयर पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि जो भी आपका होल पार्ट में से जो जितना पार्ट आपका कंज्यूम हुआ या जितना आपका बचा हुआ है उसको ये कंपेयर करेगा। तो इस तरह से अब आपका ये हो गया कि किस तरह से हमारे हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट अ चार्ट। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।